हमारे टंटिया जी हाँ, बीजेपी ने जिस तरह से जनजातीय समुदाय के लोगों को एक वरीयता में लाने का काम किया है, और इंदौर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां कल 4 दिसंबर को इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचकर टंटिया मामा स्मारक स्थल पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। टंटिया मामा मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री पूजा करेंगे, टंटिया मामा के जीवन काल पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, एक भव्य कार्यक्रम कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होना है, जहां 1,00,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां पर यह भव्य कार्यक्रम कल होगा। भव्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में होगा, और उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर दौरे पर रहेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुख करेंगे संवाददाता पीयूष पारे का। इंदौर से हमारे साथ पीयूष लाइव जुड़ गए। पीयूष, जरा बताएं, इंदौर में कल जो कार्यक्रम होना है, हमने तस्वीरें तो देख ली है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, 24 घंटे से भी अब कम वक्त रह गया है, तैयारियों के लिहाज से और बड़े जो नेता अधिकारी डेलीगेट्स पहुंचेंगे उनके सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी है प्रशासन की? मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं कल। बिल्कुल दीपक, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और दो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के साथ में पातलपानी पहुंचेंगे और यहां पर जो कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है टंटिया भील की, उसका अनावरण किया जाएगा। विशेष प्रतिमा है और इसका अनावरण करने के बाद में जो टंटिया मामा का एक मंदिर बनाया गया है पातलपानी में, जो समाधि स्थल है, वहां पर जाकर पूजन अर्चन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और यहीं पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वनवासी वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, जो प्रदेश भर से यहां पर जुट रहे हैं, उन्हें भी सीएम शिवराज संबोधित करेंगे। इसके अलावा वहां से सीधे तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल सहित तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो या फिर आदिवासी जनजाति मंत्री हो, ये तमाम मंत्री इंदौर के नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे। यहाँ पर एक विशेष प्रदर्शनी भी बनाई गई है, जिसमें टंटिया मामा जो एक क्रांतिकारी वीर थे, उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी प्रशासन तैयार कर रहा है और उस प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीधे तौर पर सीएम सहित तमाम अतिथि करेंगे। और यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और जो गौरव कलश यात्रा है, जो क्रांतिकारी वीर टंटिया भील के लिए निकाली जा रही है, वो उसका समापन आज शाम को जब इंदौर में होगा तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान उस यात्रा का स्वागत भी करेंगे। उसके अलावा जो टंटिया भील के वंशज हैं, उनका स्वागत भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेहरू स्टेडियम में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। विशेष तैयारियां प्रशासन ने की है, अलग अलग विभागों ने विशेष व्यवस्था की है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और पूरे जो है वो इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप देने के लिए भी प्रशासन ने खास तैयारियां, खास इंतजाम किए हैं। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीयूष हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े और उन्होंने बताया किस तरह से इंदौर में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।